स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों, इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में पहला पेटीएम वनडे मुकाबला चेन्नई के चैपॉक स्टेडियम में खेला गया, जहां पर दोस्तों वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी मैच के बारे में और बताएंगे कि विराट कोहली ने जडेजा के रनआउट को लेकर नाराजगी क्यों जताई। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और क्रिकेट के इनसाइड और आउटसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें डीएनए न्यूज चैनल को और बेल आइकन को जल्दी जल्दी दबा लें। तो दोस्तों, सिक्का उछला और गिरा एक बार फिर से मेहमानों के पक्ष में। और दोस्तों, कायरन पोलार्ड ने इस स्लो विकेट पर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और दोस्तों भारतीय कप्तान विराट कोहली पोलार्ड के इस फैसले से काफी खुश थे, क्योंकि दोस्तों विराट इस विकेट पर पहले बैटिंग ही करना चाहते थे और वो जानते थे कि ये विकेट जो है वो धीरे धीरे और ज्यादा स्लो होगा और यहाँ पर शॉर्ट्स खेलना जो है वो उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तो इंडियन टीम की तरफ से एक बार फिर से रोहित शर्मा और कमाल लाजवाब राहुल ने ओपन किया, लेकिन दोस्तों इस स्लो विकेट पर केएल राहुल जो है वो जल्दी आउट हो गए और उनके बाद कप्तान विराट कोहली भी केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा ने जरूर थोड़ा सा धैर्य दिखाया लेकिन वो भी दोस्तों इस स्लो विकेट का शिकार बन गए और टीम इंडिया ने अपने 3 विकेट जो है वो केवल 80 रन पर ही गंवा दिए। इसके बाद टीम इंडिया को जरूरत थी एक मजबूत साझेदारी की और वो टीम को प्रदान की टीम इंडिया के 2 युवा खिलाड़ियों ने। जी हाँ, दिल्ली कैपिटल्स टीम के कप्तान और दिल्ली कैपिटल्स के ही विकेटकीपर बैट्समैन श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने इस साझेदारी को इन दोनों खिलाड़ियों ने 80 रन से 194 तक खींचा, जहां पर दोस्तों श्रेयस अय्यर ने 70 तो वहीं ऋषभ पंत ने 71 रन की पारी खेली। हालांकि दोस्तों इन दोनों ही खिलाड़ियों के पास आज मौका था अपना शतक बनाने का और गेंदें भी काफ़ी बची हुई थी, लेकिन दोस्तों ये खिलाड़ी जो है वो अपने शतक से चूक गए और इसके बाद टीम इंडिया ने अपने 50 ओवर में 287 रन बनाए। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें कि जब टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे बल्लेबाजी कर रहे थे तो उस समय मैदान पर एक बड़ा ड्रामा हो गया। आपको बता दें कि जडेजा ने मैच के दौरान एक सिंगल लेने की कोशिश की और नॉन स्ट्राइकर एंड पर वेस्टइंडीज ने जडेजा को रन आउट कर दिया, लेकिन दोस्तों जो मैदानी अंपायर थे उन्होंने जडेजा को नॉट आउट करार दिया, जहां पर काफी बार ऐसा होता है कि काफी आसान रनआउट्स डिसीजन पर भी अंपायर जो है वो थर्ड अंपायर का रुख करते हैं, लेकिन इस टाइट कॉल पर भी मैदानी अंपायर ने थर्ड अंपायर की ओर जाने की जरूरत को सही नहीं समझा। लेकिन दोस्तों उसके बाद हुआ बड़ा ड्रामा, जहां पर इसके बाद वेस्टइंडीज के कप्तान कायरन पोलार्ड ने अंपायर से दोबारा अपील की और फोर्स किया कि वो थर्ड अंपायर की ओर जाएं और दोस्तों जैसे ही रिप्ले में देखा गया तो जडेजा जो है वो रन आउट थे, लेकिन दोस्तों इस डिसीजन ने इंडियन कप्तान विराट कोहली को काफी गुस्सा दिला दिया, जहां पर दोस्तों कोहली जो है वो काफी नाखुश दिखे। तो चलिए दोस्तों आपको इसकी वजह बताते हैं। दरअसल दोस्तों जब जडेजा को रनआउट करार दिया गया तो उस समय वेस्टइंडीज के कप्तान कायरन पोलार्ड ने अपनी ड्रेसिंग रूम की एनालिसिस टीम से इस बारे में बात की और वहां से उनको इशारा मिला कि और उन्होंने ये बताया कि ये रनआउट है और इसके बाद पोलार्ड ने अपील की, जो कि दोस्तों नियमों के एकदम खिलाफ है। और दोस्तों कोहली भी इसी चीज़ को लेकर नाराज़गी दिखा रहे थे, जहां पर रूल्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो किसी भी टीम के कप्तान जो है वो अपनी ड्रेसिंग रूम की मदद नहीं ले सकते और वो जो है वो अपनी एनालिटिक टीम की मदद नहीं ले सकते हैं मैदान पर, और उनको जो भी फैसला और जो भी डिसीजन लेना होता है वो अपनी बुद्धि और विवेक से ही लेना होता है। लेकिन क्योंकि दोस्तों कायरन पोलार्ड ने इस खेल में रूल तोड़ा तो इसी वजह से कोहली ने जो है वो नाराजगी दिखाई। दोस्तों आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि क्या कप्तान विराट कोहली की नाराजगी बिल्कुल जायज है या फिर नहीं। और दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग डेली न्यूज अड्डा। थैंक यू।